दिल्ली में बारिश के बाद से ठंड अपना असर दिखा रही है। रात में ठंड का हाल जानने आज तक संवाददाता सुशांत मेहरा निकले और रैन बसेरों का जायजा लिया। नए साल की शुरुआत जो हुई वो कड़ाके की ठंड घने कोहरे के साथ हुई और वो सिलसिला लगातार जारी है। लगातार पिछले एक हफ्ते से अगर कहा जाए तो दिल्ली के अंदर सर्दी के साथ साथ बारिश का कहर भी जारी है, लेकिन ये बारिश का कहर उन लोगों के लिए बड़ी मुसीबत लेकर के आया है जो लोग खुले आसमान के नीचे सड़कों पर सोने के लिए मजबूर हैं। इस वक्त मौजूद है पुरानी दिल्ली के मीना बाजार इलाके में। मेरे पीछे परेड ग्राउंड है और उसके पीछे जामा मस्जिद है। सड़कों का नज़ारा मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से पटरियों पर जो लोग हैं वो मेहनत मजदूरी करने वाले जो लोग हैं वो यहाँ पर इसी तरीके से खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर है। रोजाना यहाँ 40 से 50 लोग इसी तरीके से खुले आसमान के नीचे जो है वो सोते हैं और आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से रात भर जो लगातार पिछले कई दिनों से बारिश हो रही है उन लोगों के लिए कितनी ये मुसीबत भरा दिन है जो कि इस तरीके से यहाँ पर सोने को मजबूर हैं। ये वो लोग हैं जो पुरानी दिल्ली के इलाकों के अंदर अलग अलग तरीके से मेहनत मजदूरी करते हैं और रात को इस तरीके से सड़कों पर सोते हैं। आप दूर दूर तक देखेंगे कि इसी तरीके से यहाँ पर लोग बाग जो है वो यहाँ पर सोते हुए फिलहाल आपको नजर आएंगे और इनकी व्यवस्था के लिए यहाँ पर टेंट जो है वो इस तरीके का तिरपाल जो है वो रोजाना यहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं वो लगाते हैं। हमारे साथ एक शख्स मौजूद है जो कि यहाँ पर तिरपाल इस वक्त इन लोगों के लिए लगा रहे हैं। ये बताइए कि कब से आप यहाँ पर तिरपाल लगा रहे हैं? जब से ऑलरेडी अभी बारिश हो रही है जब से हम लगा रहे हैं यहाँ पे। कितने लोग रोजाना यहाँ सोते हैं? यहाँ कम से कम 50-60 जन आ जाते हैं। अच्छा, तो क्यों ये लोग नाइट शेल्टर में क्यों नहीं सोते? नाइट शेल्टर नहीं है आसपास? नाइट सेंटर है लेकिन यहाँ पे लेडीजों के लिए बना रखा है, फैमिलियों के लिए, और यहाँ से थोड़ा दूर है, वो दरियागंज की तरफ है तो ये जा नहीं पाते, इन्हें सुबह काम के लिए यहाँ उठना पड़ता है। रात का तकरीबन 1 बज रहा है और सोनू हर रोज इसी तरीके से तिरपाल जो है वो इन तमाम लोगों के लिए लगाते हैं ताकि ये लोग जो बारिश हो रही है, कड़ाके की सर्दी हो रही है, वो सहन ना करें और ऐसे में उनके ऊपर ये बारिश की बूंदें ना पड़े, उसको लेकर के रोजाना जो सोनू है वो इस तरीके से टेंट तंबू जो है वो लगाते हैं ताकि ये लोग खुले आसमान के नीचे ना सोए। हालांकि ये काम जो है वो प्रशासन के लोगों को करना चाहिए, यहाँ पर पोटा कैबिन के तौर पर जो टेंट तंबू है वो लगाने चाहिए ताकि ये लोग सर्द हवाओं के बीच, बारिश के बीच खुले आसमान के नीचे ना सोए। ये स्थिति जो है वो दिल्ली के तमाम अलग अलग इलाकों में फिलहाल जो है वो देखने को मिलती है। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूँ अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।